अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका चैनल सर्चिंग में क्यों नहीं आता। अगर आप अपना चैनल का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो आपका जो पहला नेम है चैनल का, जो ओल्ड वन है, वो सर्चिंग में आता है, लेकिन जो आप चेंज करते हैं वो चैनल सर्चिंग में नहीं आता उस नेम से। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कैसे चैनल सर्चिंग में आएगा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। जो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल पे जाएंगे, वहाँ से हम YouTube स्टूडियो पे जाएंगे। YouTube स्टूडियो को ओपन करने के बाद हमें कुछ कुछ सॉरी नेट स्लो है तो थोड़ी तो कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो YouTube स्टूडियो पे जाने के बाद हम सेटिंग पे जाएंगे। ये एरो के थ्रू मैं आपको बताती जा रही हूँ। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पे हमें डिफरेंट से ऑप्शन मिलते हैं। पहले मिलता है जनरल सेटिंग और होता है चैनल की सेटिंग होती है। तो हम चैनल की सेटिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें चैनल पे ही जाना पड़ेगा। चैनल पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक इन्फो, यहाँ पे आपकी चैनल की इन्फो होती है। यहाँ पे चैनल का नेम है जो मैंने चेंज किया हुआ है, लेकिन पहला मेरा जो नेम था वो कुकिंग विद फातिमा शेख से था, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस चैनल से। तो मैं अपना नेम चेंज करना चाह रही थी। जब मैंने चेंज किया था अपना नेम तो चैनल मेरा सर्चिंग में नहीं आता था, तो मुझे पता चला कि ऐसे होता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बिगनर्स के लिए ये वीडियो बना लूँ। मैं ये चैनल मैंने स्विच किया कुकिंग विद फातिमा शेख के नेम से, जो था उसका नेम चेंज करके ये रख दिया शेख्स लाइफ स्टाइल। तो मेरा चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा है अब। तो अभी हम सर्चिंग में अब जब लाएंगे तो हमें यहाँ पे कीवर्ड्स लगानी पड़ेगी। तो कीवर्ड्स वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगी, कैसे कैसे लगाई जाती हैं, ठीक है। सो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा हम यहाँ पे कौन कौन से नेम ऐड करना चाह रहे हैं। तो आप पहले मैक्सिमम 5 नेम जो हैं वो डिसाइड कर लें कि कौन कौन से हमें चैनल पे कीवर्ड्स पे लगाने चाहिए, ठीक है। जिससे हमारा मीन्स के जितनी परसेंटेज चैनल का नेम जो होगा वो मतलब क्लोज होंगे नेम से, तो आपका चैनल सर्चिंग में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना वो चैनल का नाम रखें जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लगाएंगे पहले हाश प्रेस करेंगे, उसके बाद जो आपका चैनल का नेम है जो आप रखना चाह रहे हैं वो आप टाइप करेंगे। देखिए मैं ये टाइप कर रही हूँ अपना नेम जो मैं रखना चाह रही हूँ, शेक्स लाइफ स्टाइल, ठीक है। उसके बाद ये हैश देकर, ये नाम लिखकर, उसके बाद हमें कामा देनी है। कामा के बाद हमें प्रेस स्पेस प्रेस कर देनी है। के बाद हमें ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये हो गया पहला नंबर नेम, ठीक है। अब हम दूसरा लगाएंगे, जो मेरा पहले वाला नेम था वो मैं लगा रही हूँ, ठीक है। पहला वाला कौन सा था? कुकिंग कुकिंग विद फातिमा शेख, ठीक है। ये कामा हो गया, ये एंटर प्रेस हो गया, ये हो गया सेकेंड नेम। अब हम तीसरा जो लगाएंगे वो मैं लगा रही हूँ अपना नेम, ये कामा प्रेस हो गया, ये स्पेस प्रेस हो गया। अगर आप स्पेस प्रेस करना चाह रहे हैं फिर भी आ जाएगा, इंटर प्रेस करना चाह रहे हैं फिर भी ये
कुछ ऐसा इंटरफेस आया जाएगा। ये हो गए तीन नाम। अब मैं चौथा नंबर नेम प्रेस करना चाहूंगी। शिफ्ट को लगा के हम हैश प्रेस करते हैं, ठीक है। हैश प्रेस करके अब मैं चौथा लगाने जा रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सो आप कोशिश करिएगा कि नेम रखना चाहें आप, वो अपना चैनल नेम जो आप चेंज करना जा रहे हैं वो लगाने लगाइएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग वन यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कि इंजीनियर फातिमा, ठीक है। ये हो गए पांचवा नेम। अब ये पांच नेम कीवर्ड्स में लगाने के बाद अब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें चैनल, हम जब सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सर्चिंग में आ जाएगा डेफिनेटली। आप कोशिश करिएगा जैसे जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वैसे वैसे आप जो हैं वो ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी बताइएगा कि आपका चैनल जो है वो अब सर्चिंग में आ रहा है, अगर आप ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने छोटों का ख्याल रखिएगा और अपने बड़ों का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।